गुजरात राज्य ने प्रगति उजागर करने विविध कल्याणकारी योजनाओं अंतर्गत विकास कार्यों लोकार्पण और खातमुहूर्त करने हेतु थी आज राज्यभर में विश्वास्थी विकास यात्रा आयोजन कर अंतर्गत आज लींबड़ी खाते कैबिनेट मंत्री श्री किरीट सिंह राणा ने जिला पंचायत प्रमुख बबूबेन पंचाणी प्रेरक उपस्थिति में विश्वास्थी विकास यात्रा कार्यक्रम योजना आ प्रसंगे संबोधन करता वन ने पर्यावरण कैबिनेट मंत्री किरीट सिंह राणाए जणाव्यू के गुजरात सरकारे 2022-23 में गत वर्ष करता 17,000 करोड़ रूपियाना वधारा साथे 2,44,000 करोड़ रूपियानो इतिहास अत्यार सुधीनो सौथी मोटू बजेट आप्यु छे। 20-25 वर्ष पहला गुजरात में वाड़ू करवा बेसता त्यारे वीजळी जती रहती हती अने अत्यारे ज्योति ग्राम योजना द्वारा 24 कलाक वीज पुरवठो मळी रहे छे। राज्यना गामे गामे वीजळी पहोंची छे अने केन्द्रमां वडाप्रधान बनवानी ज साथे नरेन्द्र भाईए मात्र 15 दिवसमां नर्मदा प्रोजेक्टने पूर्ण ऊंचाई सुधी लई जवानी मंजूरी आपी हती अने पाणीथी वंचित रही जता गामो सुधी नर्मदाना पवित्र जळ पहोंचाडीने पोते आपेलुं वचन पूर्ण कर्युं हतुं। राज्यना 98% घरोमां नळ द्वारा शुद्ध पीवानुं पाणी पहोंचाडवामां आव्युं छे। वधुमां मंत्रीए जणाव्युं हतुं के पहेलाना समयमां राज्यमां रस्ता आरोग्य पाणी जेवी मूलभूत माळखाकीय सुविधाओनी पण तकलीफ हती पण आजे गुजरातमां दरेके दरेक गाममां पाका रस्ता पाणी सहितनी सुविधाओनुं माळखुं मजबूत करवामां आव्युं छे अने અંતરિયાળ ગામના લોકો સુધી આ સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે। શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન બન્યા બાદ ગુજરાતને ડબલ એન્જિનની સરકારનો લાભ મળી રહ્યો છે જેને પરિણામે આજ ગુજરાત આરોગ્ય શિક્ષણ ઉર્જા એમ બધા ક્ષેત્રે દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે જેને કારણે રાજ્યમાં અનેક મોટા પ્રોજેક્ટ્સ આવી રહ્યા છે। अत्रे उल्लेखनीय है कि विश्वास्थी विकास यात्रा कार्यक्रम अंतर्गत लींबड़ी तालुका में लींबड़ी नगरपालिका विस्तार में पेवर ब्लॉक सीसी रोड आरोग्य वन ने पर्यावरण लक्षी रूपया 25 लाख थी वधुना लोकार्पण करवामां आव्या छे त्यारे लींबड़ी तालुका में रूपया 36.85 लाख 14 कामों ई खातमुहूर्त तथा 20 लाख 8 कामों ई लोकार्पण चूड़ा तालुका में 23 लाख 7 कामों ई लोकार्पण तथा 1,20,00,000 76 कामों ई खातमुहूर्त सायला तालुका में 1,81,00,000 64 कामों खातमुहूर्त तथा 27.80 लाख 12 कामों लोकार्पण करवामां आव्युं हतुं। कार्यक्रम अगाउ छेल्ला 20 वर्ष में गुजराते करेल विकास फिल्म नुं निदर्शन पण करवामां आव्युं हतुं। आ अवसरे जिला कलेक्टर KC संपत अने लींबड़ी नगरपालिका प्रमुख बेलाबेन प्रासंगिक उद्बोधन पण कर्या हता जेरे पदाधिकारी जिला विकास अधिकारी प्रियन मकवाणा लींबड़ी प्रांत अधिकारी योगराज सिंह जाडेजा सुरेन्द्रनगर जिला भाजप प्रमुख जगदीश भाई मकवाणा राजभा जाला मुकेश भाई सेठ दशरथ सिंह जाला धीरुभाई सिंधव घनश्याम भाई तनक सिंह राणा अल्पेश भाई शेख सहित मोटी संख्या में लोग खास उपस्थित रहा था। आज सुरेन्द्रनगर जिला राज्य सरकार द्वारा समग्र 182 सीट पर हरेक विधानसभा में विश्वास थी विकास यात्रा की शुरुआत आ राज्य सरकारे काम करी छे प्रजानो विश्वास छे एना माटेनो कार्यक्रम समग्र जग्याए लोकार्पण अने खातमुहूर्तना कार्यक्रम कर्या एमां सुरेन्द्रनगर जिल्लानो कार्यक्रम में लींबड़ी विधानसभा में मारे हाजरी रहेवानो एवो मारो मत विस्तार छे। एना कार्यक्रमना अध्यक्ष अमारा जिला पंचायतना प्रमुख बबूबेन हता नगरपालिकाना प्रमुख पण हाजर हता जिला अमारा पार्टीना प्रमुख श्री कलेक्टर श्री DDO श्री वगैरे चूंटायेला प्रतिनिधिओ पण हाजर हता एमना द्वारा आज अनेक लाखों ने करोड़ों रुपयाना कामों लोकार्पण ने खातमुहूर्त लींबड़ी तालुको चूड़ा तालुको सायला तालुको अने लींबड़ी नगर आ तमामनो ए लोकार्पण ने खातमुहूर्त कार्यक्रम करेवा आज ए शुरू थई जशे कंईक शुरू थई गया छे। समग्र विस्तार में विश्वासथी विकास यात्रा की बात वर्षोथी भारतीय जनता पार्टी करती आवी छे साचा अर्थ में लोग सुधी काम पहोंचाड्या छे अने मने आ विस्तारना प्रतिनिधि तरीके गौरव थाय કે તૂટતા રસ્તા હોય ડ્રગ મૂકવાના હોય શાળામાં હોય આરોગ્ય ક્ષેત્રે હોય પાણી પીવડાવવાની વાત હોય પાણી સ્કૂલોમાં આપવાની વાત હોય દરેક ક્ષેત્રે દરેક વિભાગનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારના માન્ય મુખ્યમંત્રી પટેલ સાહેબે મુખ્યમંત્રી સાહેબે કામ કર્યું છે અને આપણા તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી હતા
आज देश वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई ने चीले चाले एम दरेक कार्य जो है ये कार्य करती सरकार तमाम विभाग कामों थमना है। आज अब लोकार्पण खातमुहूर्त करूँ और खूब आ विस्तार प्रतिनिधि तरीके मान्य मुख्यमंत्रीशीनों और दरेक विभागों दरेक अधिकारी आ विस्तार प्रतिनिधि तरीके हूँ एम आभार मानु छू और राज्य सरकार मंत्री तरीके हूँ वहीवती तंत्र और सरकार हृदयपूर्वक विस्तार वती आभार मानी और मारी बात पूरी। दीपक सिंह वाघेला नो रिपोर्ट, सुरेंद्रनगर।